रूस यूक्रेन युद्ध का आज 19वां दिन है। रूस द्वारा लगातार जारी हमलों से यूक्रेन के हालात काफी भयावह हो चुके हैं। इसी बीच यूक्रेन में रूस के हमले के बीच अमेरिकी पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई है, जबकि एक पत्रकार को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रूसी आर्मी पर पत्रकारों को गोली मारने का आरोप लगा है। यह हत्या ऐसे वक्त हुई है जब यूक्रेन में रूसी हमला तेज हो गया है। मारे गए पत्रकार की पहचान ब्रेंट रेनॉट के रूप में हुई है। उनके शरीर से कई दस्तावेज मिले, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स का पहचान पत्र भी था। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अखबार के लिए काम करते थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी बयान जारी कर ब्रेंट रेनॉट के अखबार के साथ काम करने की पुष्टि की है। हालांकि वह यूक्रेन में अखबार की तरफ से नहीं भेजे गए थे। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने बयान में लिखा, ब्रेंट रेनॉट के निधन के बारे में सुनकर हमें गहरा दुख हुआ है। ब्रेंट एक प्रतिभाशाली फिल्म निर्माता थे, जिन्होंने वर्षों से द न्यूयॉर्क टाइम्स को अपना योगदान दिया था। हालांकि उन्होंने 2015 में टाइम्स में योगदान दिया था। वे यूक्रेन में द टाइम्स में किसी भी डेस्क के लिए असाइनमेंट पर नहीं थे। टाइम्स के लिए काम करने की शुरुआती खबरें प्रसारित हुई क्योंकि उन्होंने टाइम्स प्रेस बैच पहना हुआ था, जो कई साल पहले एक असाइनमेंट के लिए जारी किया गया था। आपको बता दें कि रविवार को पोलैंड बॉर्डर के पास रूसी हवाई हमलों में 35 लोग मारे गए हैं, जबकि 57 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। रूसी सेनाओं ने यूक्रेन की राजधानी कीव की घेराबंदी भी तेज कर दी है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने लीव शहर में 8 बड़े हमले किए हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर जान माल का नुकसान हुआ है। यूक्रेन के अधिकारियों का दावा है कि रूस ने लीव में सैन्य प्रशिक्षण शिविर में 8 मिसाइलें दागी। इसमें 35 लोगों की मौत हो गई और 57 लोग घायल हुए हैं। उधर रूस ने यूक्रेन की राजधानी को पूर्व, उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर से घेर लिया है और भारी हमले शुरू कर दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।